तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आने वाला है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अब आप सारा काम छोड़ के अपनी राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी में लग जाए क्योंकि अब अगला पेपर क्योंकि आपका राजनीति विज्ञान विषय का ही है। प्यारे विद्यार्थियों आपने जो अर्थशास्त्र विषय की तैयारी की होगी अगर आपने मेरे चारों सेट पेपर देखे होंगे तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों उसी में से बनकर आया था जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर है अर्थशास्त्र विषय का बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके राजनीति शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो यहां से आप लोग देख सकते हो आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आने वाला है जैसा कि आज हम यहां से बता रहे हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। देख लीजिएगा यह सेट ए का क्वेश्चन पेपर है, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023। तो देखिएगा टोटल इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद में यहां से आप लोग देख सकते हो यह मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 नंबर का होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आने वाला है जिस प्रकार का कि मैं यहां से आपको बता रहा हूं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में आने वाले प्रश्नों को और इनके उत्तर हो। तो देखिएगा टोटली आपका पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सोल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये इसका उत्तर आ जाएगा जकार्ता। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल क्या था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका भी उत्तर आपका यह आ जाएगा 1985 से 91। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो WHO की स्थापना हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कितने देशों में CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का क्वेश्चन का उत्तर भी आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, किससे संबंधित है, वैश्विक ताप वृद्धि से, उत्सर्जन क्रिया से। तो देखिएगा इसका भी उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आ नंबर का ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो अधिनियम है ये भी कब 1956 में पारित किया गया था। तो देखिएगा यहाँ तो सभी आ नंबर वाले ही सही है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सैनिक गठबंधन का नाम था वारसो पैक्ट, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, वारसो पैक्ट नाम का सैनिक गठबंधन इसके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी में किया गया। तो देखिएगा ब्राजील की जो राजधानी है उसका नाम है रियो डी जेनेरो, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिख लेना 565 देशी राजा थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान के द्वारा किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण क्रांति का आह्वान जय प्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है, जय प्रकाश नारायण इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, चकमा शरणार्थी देश से आए थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी चकमा जो शरणार्थी थे ये पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, कहाँ से आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से ये आए थे। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लेंगे, ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है और यहाँ से आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर लिख लेने हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस समय विश्व की राजनीति जो थी एक ध्रुवीय हो गई थी। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कैसी हो गई थी, एक ध्रुवीय। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है
नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? सा नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में प्रथम आम चुनाव 1957 में हुए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो नारा दिया गया था ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे को दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा गया है, भारत के चार पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत के चार पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? यहाँ से आप लोग लिख लें, भारत पाकिस्तान, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे भारत पाकिस्तान, और आगे आपको लिखना है देखिएगा श्रीलंका नेपाल। भारत पाकिस्तान श्रीलंका और अगला क्या हो जाएगा, नेपाल। ये भारत के चार पड़ोसी देशों के नाम हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी और कब, 1950 में। तो इसलिए आप लोग इसको पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, RTI का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, RTI का जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू और इसके बाद में इन्फॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म ये है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर, देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक धुरी हो गई थी। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, ये भी आपका सत्य है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई, सा नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी, दा नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग सही जोड़ी को देख लेंगे, पहले नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं। तो पहले नंबर की सही जोड़ी का मिलान आपको बी से कर लेना है। दूसरे नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं तो इसका मिलान आपको ए से कर लेना है। तीसरे नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं तो इसकी मिलान आपको डी से कर लेना है। और चौथे नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं तो इसकी जोड़ी का मिलान आपको सी से कर लेना है। और उसके बाद में पाँचवें नंबर की सही जोड़ी को देखते हैं तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको किस से कर लेना है, ई से। देखिएगा ई से इसको कर लेना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है और आगे के प्रश्न के उत्तर में आपको आंसर शीट पे पूरे के पूरे उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप सभी लोग उनको एक बार अच्छे से जरूर देख कर जाएँ। तो चलिएगा आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 23 तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ से इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। क्या लिखा गया है, बर्लिन की दीवार क्या है, लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा का पूरा याद कर लें, ये आपके पेपर में जरूर पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, क्या लिखा गया है, इस जगह से आप लोग देख लें इसको। यहाँ पर लिखा गया, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है, निशस्त्रीकरण क्या है, लिखिए। तो इस जगह से आप लोग निशस्त्रीकरण को पूरा लिख लेंगे और इसको भी याद कर लेंगे। और प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद में यहाँ पर ये दिया गया है और उसी के आगे ये क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा, मानव अधिकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिएगा ये मानव अधिकार के बारे में लिखा गया है, आप लोग यहाँ से इसको लिख लें और समझ लीजिएगा टोटली। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लिखिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इतना पूछा गया है और कुछ ये लिखा है, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, भू साझा प्रॉपर्टी क्या है, लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से भी आप लोग इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे कि भू साझा प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले, क्या लिखा गया है, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव, लिखिए। तो यहाँ से आप लोग वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव को नोट कर ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे, क्या लिखा गया है, आर्थिक उदारीकरण से क्या किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग आर्थिक उदारीकरण को पूरा नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, क्या लिखा है, नियोजन का अर्थ परिभाषा, लिखिए। और यहाँ से आप लोग नियोजन के अर्थ को और परिभाषा को नोट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो क्या लिखा है, बॉम्बे योजना क्या है। तो यहाँ से आप लोग बॉम्बे योजना को पूरा लिख लेंगे और याद कर लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विदेशी नीति क्या है, लिखिए। तो देखिएगा इसका उत्तर भी पूरी तरह से आप लोग यहाँ तक का लिख लें कि विदेशी नीति क्या है।
इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिएगा शांतिपूर्ण से अस्तित्व क्या है, लिखिए। तो यहाँ से आप लोग शांतिपूर्ण से अस्तित्व को नोट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लें क्या पूछा गया है, सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से आप लोग लिख लें सिंडिकेट से क्या तात्पर्य, टोटली यहाँ पर यह दिया गया है, इसके उत्तर को आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे क्या लिखा है, गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे कि गैर कांग्रेसवाद किस सिद्धांत पर टिका था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे क्या लिखा गया है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, प्रेस सेंसरशिप क्या है। इस जगह से आप लोग पूरा का पूरा याद कर लें, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, 42वां संविधान संशोधन क्या है। इस जगह से आप लोग इसको पूरा देख लें और याद कर लीजिएगा, ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें पूरा। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये देखने को मिलेगा, स्वायत्त क्या है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको पूरा याद कर लेंगे और इसको लिख लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा राष्ट्रवाद क्या है, लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को राष्ट्रवाद क्या है इसको अच्छे से लिख देना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो ये भी आपके पेपर में आ चुका है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण क्या है, लिखिए। तो यहाँ से आप लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, क्या है, इसको पूरा लिख लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देखिएगा सोवियत प्रणाली के कोई चार विशेषता लिखिए। तो देखिएगा सोवियत प्रणाली की चार विशेषता यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग इस जगह से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। और आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा गया है सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तीन अंतर। तो यहाँ से आप लोग सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतरों को लिख लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा है, देख सकते हो आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ से आप लोग आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को लिख लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। तो यहाँ से आप लोग यूरोपीय यूनियन के उद्देश्यों को पूरा नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा ये पूछा गया है, यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चार चुनौतियाँ लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लें और अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है यहाँ पर। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इसको, चिपको आंदोलन क्या है। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है प्यारे विद्यार्थी, इसको भी आप लोग अच्छे से देख ले, जिसमें कि लिखा है दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से भी आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ताश्कंद समझौता किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, इसके पूरे उत्तर को नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को समझाइए। तो देखिएगा ये पूरे के पूरे उद्देश्य यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा ये लिखा गया है, देखिएगा यहाँ से इसके बाद में अगला अथवा वाला क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा भारत की विदेश नीति का आधार समझाइए। तो यहाँ से आप लोगों को भारत की विदेश नीति का आधार पूरा समझा देना यहाँ तक का, ये क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 23 ये अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तरों का सॉल्यूशन दे दिया है। तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।